नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आसावरी संत है और आज हेल्थ पैल्स आरोग्य मित्र की ओर से मैं कोरोना वायरस से होने वाले कोविड बीमारी के बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतने सारे इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन है, तो फिर से ये वीडियो क्यों? तो पहली बात तो ये है कि हेल्थ पैल्स की तरफ से हमने कई 5-10 मिनट के वीडियोस पहले भी बनाए हैं, मगर वो सभी इंग्लिश में थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में भी ये जानकारी दी जाए। और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि कोरोना वायरस या COVID-19 जो है, जो जिन कई देशों में से वो निकल चुका था, वो बीमारी ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कि न्यूजीलैंड, तो उन देशों में भी अभी नए केसेस पाए जा रहे हैं और भारत से तो ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो काफ़ी केसेस हमारे आजू बाजू बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमने इसी हेतु से ये सोचा है कि ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे और इसमें संक्षिप्त में पूरी जानकारी देंगे। तो COVID-19 ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 इस वायरस के ज़रिए होता है। ये वायरस अपने शरीर में नाक के द्वारा अंदर आता है, तो उसकी एंट्री पॉइंट अपना नाक है और वहाँ से वो पूरे शरीर में फैलता है। ज़्यादा इसका असर हमारे लंग्स पे होता है। तो इसके लक्षण क्या है? तो ऐसा माना जा रहा है कि वायरस अपने शरीर के अंदर जाने के बाद 2 से 14 दिनों तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। ये जानकारी हाल ही में बाहर आई है कि ये वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड भी हो सकता है। इसके बाद आपको या तो सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द होना या बुखार, ऐसे कोई सिम्टम्स या लक्षण आ सकते हैं, या कई लोगों में पूरे सोने की कैपेसिटी चली जाती है, तो उनको कोई भी स्मेल नहीं आता है या टेस्ट नहीं आती है। कुछ लोगों में डायरिया भी पाया गया है। तो ये लक्षण अगर 5 से 7 दिनों तक रहते हैं तो आपको ज़रूर इसकी जांच करवानी चाहिए, मगर पहले 1-2 दिन में ही आपको डॉक्टर को पूछना चाहिए। तो आजकल हर जगह, हर गांव में फ्लू क्लिनिक नाम के क्लिनिक्स चालू हैं, जहां पे आप सलाह ले सकते हैं। यही सलाह आप आपकी जनरल फिजिशियन या डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन यानी फ़ोन पर भी बातचीत करके ले सकते हैं। तो पूरे 5 दिन तक मत रुकिए, पहले 1-2 दिनों में ही सलाह ले लीजिए, मगर टेस्ट के लिए अगर जाना है तो 5 या 7 दिन तक आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट्स हैं अपने पास, वो 2 किस्म के टेस्ट्स भी अपने पास हैं। एक पहली बात है जो एंटीजन को टेस्ट करती है और दूसरी प्रकार के जो जाँच है वो एंटीबॉडी को टेस्ट करती है। तो निदान के लिए यानी डायग्नोसिस के लिए तो हमें एंटीजन टेस्ट ही करवाना चाहिए। एंटीजन टेस्ट करवाने का एक ही तरीका है और वो है कि नेजोफेरिंजियल स्वाब लिया जाएगा। तो ये स्वाब टेस्ट क्या है? तो आपने देखा होगा टीवी पे कि वो पूरा PPE किट डाल के कोई टेक्नीशियन या कोई डॉक्टर नाक के ज़रिए पीछे वाला जो सिक्रीशन या द्रव रहता है वो एक स्टिक या स्वाब की सहायता से लेते हैं। तो वो स्वाब के आगे वाले भाग में कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा रहता है जिसमें ये सिक्रीशन अटक जाएगा और इसको हम डालेंगे या तो ट्रांसपोर्ट मीडियम में या फिर बफर में। तो अगर हमें करनी है रैपिड एंटीजन टेस्ट तो ये टेस्ट आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारे घर में जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस किस्म की टेस्ट है, जिसमें एक कार्ड होगा और ये जो द्रव हमने लिया है एक छोटी वायल में, उसके थोड़े ड्रॉप्स उस पर डाल के, थोड़े बूंद उस पर डाल के हम वो जांच करेंगे। तो अगर पिंक लाइन आती है तो ये पॉजिटिव है और नहीं आती तो ये नेगेटिव है। इसकी कीमत करीबन 500 रुपये के आसपास होगी। अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव ही पकड़ी जाएगी, मगर कई मरीजों में सिम्टम्स है, लक्षण है, फिर भी ये टेस्ट नेगेटिव आती है, तो उन पेशेंट्स को आगे जाके RT-PCR, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं, वो टेस्ट ज़रूर करवानी है। तो आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है, तो पहली बात ये है कि वो 2
वायल्स में नेजोफेरिंजल स्वाब पहले से ही ले के रख रहे हैं कॉरपोरेशन के लोग या सरकारी हॉस्पिटल्स के लोग जो आपके पास आते हैं, तो पहले तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगी, और अगर वो पॉजिटिव आई तो आप पॉजिटिव हो, अगर वो नेगेटिव आई तो आरटीपीसीआर करके उसका कंफर्मेशन होगा। तो ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है इसे लगते हैं 4 से 6 घंटे। अगर सुबह ये सैंपल लिया जाएगा तो आपको रिपोर्ट उसका 1-2 दिन में ही मिलेगा, क्योंकि प्रोसीजर को ही 6 घंटे लगते हैं और काफ़ी सैंपल्स एक दिन में रन होते हैं। इसकी कीमत करीबन 3,500 से 4,500 रुपये तक होगी और ये कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। फिर भी इसमें याद रखना है कि सिर्फ 70% मरीजों में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आती है, कोविड-19 की बीमारी होने पर भी 30% लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। तो अब क्या करें, आपको लक्षण भी है, आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया, तो हम आजकल सीटी स्कैन की भी उसमें मदद ले रहे हैं। एचआरसीटी नाम की एक जांच है जो आपके चेस्ट का सीटी स्कैन करेगी और आपको एक कोराड स्कोर दिया जाएगा, या तो ग्रेडिंग दी जाएगी 25 में से आपके सीटी स्कैन का स्कोर क्या है। तो इसके ज़रिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपको कोविड हुआ है या नहीं। तो अगर स्कोर से 5 से 8 तक है तो ये माइल्ड सिवेरिटी का डिजीज़ माना जाएगा, 8 से 18 तक है तो मॉडरेट सिवेरिटी, और 18 से ऊपर रहा स्कोर 25 में से तो ये बहुत सीवियर कोविड है। इसका मतलब है कि 80% से ज़्यादा आपकी लंग्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। और कोराड स्कोर 1 या 2 है तो नॉट वेरी सजेस्टिव ऑफ कोविड, 3-4 में शंका है कि आपको है या नहीं है, 5 का स्कोर एकदम फुल प्रूफ है। तो सीटी स्कैन और ये स्वाब के दोनों मिलके हम आजकल ये जांच या निदान कर रहे हैं। नेजोफेरिंजियल स्वाब का तीसरा प्रकार का जो टेस्ट है उसको बोलते हैं सीबीनैट या ट्रूनैट। तो ये पहले ये मशीन्स टीबी के लिए हर जगह लगाई गई थी सरकार द्वारा, और अब उसी में कार्ट्रिज रहता है, वो बदल के कोविड-19 की भी टेस्ट हो सकती है। इस जांच को कम समय भी लगता है, मगर ये 2 प्रकार की जांचें उसी मशीन में आपको करनी पड़ेगी। पहली तो ई एंटीजन करके बोलते हैं और उसके बाद आरडीआरपी जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट की है या नहीं है। तो इसकी कीमत करीबन 2,500 तक आएगी और ये भी सुबह दिया हुआ सैंपल शाम में ज़रूर मिल जाएगा आपको रिजल्ट। तो ये रही एंटीजन टेस्ट्स, तो ये कन्फर्मेटरी या निदान के लिए या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं। दूसरी एक हमको आजकल टेस्ट का नाम सुनाई दे रहा है, जांच का नाम सुनाई दे रहा है, उसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। ये भी 2 प्रकार की है, एक तो इलाइजा या क्लिया मेथड से की जाने वाली जांच है जो काफ़ी हद तक सही आपको रिजल्ट्स देगी, और दूसरी है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट सबसे कम कीमत में हो सकती है, मगर उसके रिजल्ट्स अभी तक इतने अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। तो अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जा रहे हो तो कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये इलाइजा या क्लिया मेथड की टेस्ट होगी। इसकी जांच की कीमत तकरीबन 1,000 रुपया तक हो सकती है। इससे क्या पता चलेगा, कोविड का निदान या डायग्नोसिस के लिए ये हम टेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये टेस्ट हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे ये जानकारी के लिए कि आपको क्या आपको पहले 15 दिन पहले जो माइल्ड बुखार आया था क्या वो कोविड था, या कोई अलग लक्षण आए होंगे मगर आपने तब जांच नहीं कराई तो क्या वो कोविड था। तो ये जानने के लिए आपके शरीर में जो प्रतिकार में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वो टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट की सहायता ली जाती है। तो ये टेस्ट काफ़ी हद तक गवर्नमेंट या हमारे शासकीय सब लोग इसको सर्वेलेंस के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए नहीं। अगर आपकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आती है, मतलब सीटी भी और स्वाब टेस्ट भी, इसका दोनों का स्टडी करके अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि हाँ ये कोविड है,
तो उसके आगे जाके भी कई ब्लड की जांचें आपकी की जाएगी। इसमें पहली होगी कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जिसमें न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, ये बहुत अहम जांच है जो काफ़ी हद तक सीवेरिटी को बोल सकती है कि COVID-19 तो है मगर कितना सीवियर है। इसमें एक ऐसी आप शब्द सुनेंगे जीरो लिम्फोसाइट सिंड्रोम, इसका मतलब लिम्फोसाइट का प्रमाण एकदम शून्य को गया है, तो ये बहुत सीवियर कोविड है। दूसरी दो जांचें हम करेंगे कि लिवर और किडनी के फंक्शन कैसे चल रहे हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो दवाइयां आपको दी जाएंगी उसका शायद लिवर और किडनी पे असर हो सकता है, तो पहले हम एक बेसलाइन टेस्ट इसके लिए करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट जो है वो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो इस ऐसे ये ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, फेरिटिन, LDH, CRP, डी डाइमर और प्रोकैल्सिटोनिन। तो अगर ये लेवल से ऊपर है तो ये दर्शाते हैं कि आपके शरीर में बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन है और इसके लिए क्या दवाई दी जानी चाहिए वो आपके फिजिशियन फिर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये रही बात टेस्टिंग की, मगर हमारा एम ये होना चाहिए कि हम पूरी सावधानता बरतें। मैं जानती हूँ कि 6 महीने होने ऑलमोस्ट हो गए हैं ये डिजीज़ हमारे, ये बीमारी हमारे देश में आके, तो हम सब तंग आ चुके हैं और हम एक्चुअली काफ़ी हद तक अब इतनी सावधानता नहीं बरत रहे हैं, मगर ये हमारी एक भूल भी हमको बहुत भारी पड़ सकती है। तो हमने ईयर एंड तक तो सोचना ही है कि कोविड है ही, हर जगह से हो सकता है, कहीं से भी हमें ये हो सकता है, और हमको खुद के लिए सावधान रहना है और हमारे परिवार के लिए भी ये डेफिनेटली करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं, पहली बात तो आहार की तरफ ध्यान दें, आपके व्यायाम की तरफ ध्यान दें, योगा प्राणायाम, हो सके तो जल नेति यानी एंटीरियर नेजल वॉश का आप उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक कोविड प्रिवेंट करने में पाए गए हैं कि ये इम्यूनिटी अच्छी करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स तो आप सुन चुके होंगे, काफ़ी मार्केट में भी है, कई दवाइयां हैं, तो ये लेने में कोई हर्ज नहीं है आपके डॉक्टर को पूछ के। मगर मैं आपको एक बारे में सावधान करना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लेंगे वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, कोविड के लिए ये फाइनल ट्रीटमेंट या इलाज नहीं करते हैं। तो ये हुई बात आहार, व्यायाम, इम्यूनिटी बूस्टर्स, योगा, प्राणायाम, जल नेति, इन चीज़ों का आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके घर से बाहर जाते टाइम मास्क तो पहनना ही है। जब आप मास्क पहनोगे तो दो उंगलियों से वो सिर्फ कान के नीचे कान के पीछे चढ़ाना है, और उतारते टाइम भी उन्हीं दो उंगलियों से उतार के एक प्लास्टिक में डाल के उसे डिस्कार्ड करना है। अगर ये कपड़े का मास्क है तो ट्रिपल लेयर है ना, ये कंफर्म कर लीजिए, और इसे डेटॉल में डाल के ठीक से धोइए, खुद का मास्क खुद धोइए, और फिर उसे सुखा के 4 दिन बाद आप यूज़ कर सकते हो। सैनिटाइजर्स तो 70% अल्कोहल कंटेंट वाले सैनिटाइजर्स रेगुलरली यूज़ करने हैं, हर 4 घंटे में हाथ धोना है। हाथ धोते टाइम पूरी अच्छी तरह से साबुन लगा के 20 सेकेंड तक हाथ रगड़ के फिर वो पानी में धोना है, ये सावधानता हमें बरतनी है। और जैसे कि हमारे पंत प्रधान बार बार बोलते रहते हैं 2 गज की दूरी, तो हमें सबको बहुत आदत है कि हम किसी को मिले तो पास जाते हैं, उनके गले मिलते हैं, तो ये सब हमें अवॉइड करना है। हर व्यक्ति के साथ हमें 2 गज की दूरी 6 फीट डिस्टेंस रख के ही बात करनी है। तो ये अगर आप करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बीमारी से बच पाओगे। दूसरी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ
कि आजकल हम सुन रहे हैं कि काफ़ी अस्पतालों में बिल्कुल बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अब सरकार ने भी और डॉक्टरों ने ऐसा सोचा है कि जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या बिल्कुल उनमें कोई लक्षण नहीं है मगर उनका टेस्ट पॉजिटिव है, इन्हें कहते हैं हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, या मामूली सी सर्दी खांसी, बदन में दर्द है, थोड़ा बुखार है, ऐसे पेशेंट्स को हम रेकमेंड कर रहे हैं अब कि आप घर में ही आइसोलेट कर ले खुद को। मगर इसकी एक बहुत अहम ज़रूरत ये है कि आपकी खुद की एक अलग कमरा होना चाहिए और उसको अटैच्ड बाथरूम रहनी चाहिए। ऐसी फैसिलिटी अगर आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आप ये रिस्क मत लीजिए, आप ज़रूर कोविड केयर सेंटर में जाइए। अगर आप घर में आइसोलेट हो रहे हों तो आपको खुद के बर्तन, खुद के कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, डिसइंफेक्टेंट डाल के धोने पड़ेंगे, हर समय आपको मास्क और ग्लव्स पहन के रहना पड़ेगा और वो मास्क और ग्लव्स ठीक से डिसइंफेक्ट करके, या तो सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी हाउस होल्ड ब्लीच जो मिलता है, या डेटॉल, ऐसे कोई डिसइंफेक्टेंट से उसे पूरी तरह निर्जंतुक करके फिर आपको उसे प्लास्टिक में डाल के डिस्कार्ड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। और आप 14 दिन तक अलग रहें, अपने परिवार वालों से ना मिलें, ये भी बहुत ज़रूरी है होम आइसोलेशन में। और ये होम आइसोलेशन के किट्स जो है वो काफ़ी अस्पतालों से, काफ़ी डॉक्टरों के ज़रिए आपको घर में मिल सकती हैं, दवाइयाँ जो आप घर में ले सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हुए आप आराम से घर में ही रह सकते हैं। इससे थोड़ा सीवियर अगर डिजीज़ हुआ तो ज़रूर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और उसमें भी मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ पैनिक मत होइए, काफ़ी लोग अब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ठीक होके घर जा रहे हैं। 1-2% लोगों को ही वेंटिलेटर और अग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं आशा करती हूँ और आपको शुभकामना देती हूँ कि आपको कभी भी कोविड के बारे में टेस्टिंग या कोई भी किस्म की ज़रूरत ना पड़े, आप इस बीमारी से दूर रहें और जल्द से जल्द हम भारतवासी इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अलविदा कहती हूँ। धन्यवाद।